हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अगर मैं पूछूं कि आप सब में से पीरियड्स किस किस को पसंद है और कौन बिल्कुल बेसब्री से उसका इंतजार करता है तो शायद आप में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पीरियड्स में इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है, पेन होता है कि कोई वेट नहीं करना चाहता। बट अगर मैं आपको एक रीजन दूं कि आपके पीरियड्स थोड़े से फन और मतलब थोड़े अच्छे और एक्साइटिंग हो जाएंगे, मतलब एक्साइटिंग क्या, ठीक है बोलने वाली बात है, तो मैं आज लेके आई हूँ एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, केयर बियर बॉक्स। तो ये होता है पीरियड सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ये आपको अपनी डेट्स वगैरह सब बतानी रहती है, उस हिसाब से ही आपको कस्टमाइज करके बहुत सारी चीज़ें मैं आपको खोल के बताऊंगी। तो ये बॉक्स ऐसा दिखता है, इस टाइप से आता है। सो लेट्स ओपन इट। ये जो पेपर उन्होंने दिया है तो ये बहुत क्यूट सा, इसमें टेडी बेयर बना हुआ है और लिखा हुआ है केयर डियर पीरियड किट। फिर देन एक थैंक नोट है और ये ओरिगेमी है, मतलब टाइम पास के लिए, फ्रस्ट्रेशन होगा वगैरह तो टाइम पास करो। फिर इसमें पीछे एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको रेटिंग करनी है और अपने दो पीरियड इश्यूज शेयर करने हैं। तो मे भी शायद अगर आप जो इश्यूज शेयर करोगे, अगर आपको पेन ज़्यादा होता है या फ्लो ज़्यादा है, तो मे भी शायद उसके हिसाब से वो नेक्स्ट किट आपको कस्टमाइज करके भेजें। फिर ये नवंबर केयर किट में जो भी सब चीज़ें आने वाली हैं प्लस किस टाइप से आपको उन्हें यूज़ करना है वो सब कुछ दिया गया है। डे वन, डे टू, डे थ्री को किस हिसाब से आपको, मतलब क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं कि आपको उससे फ़ायदा होगा, तो ये सब चीज़ें आपको उन्होंने लिख के दी है। प्लस पीछे ये सब कुछ लिखा है कि क्या क्या इस किट में इंक्लूड है। ओके, तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ना इन्होंने ऐसे पाउचेस में चीज़ें रख के दी हैं। सो थ्री डेज के थ्री पाउचेस हैं। सो मतलब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या मतलब कुछ भी, आपको एक सॉर्टेड हो कि आज का पाउच ये है, आपने निकाल के रख लिया, उस हिसाब से आपको चीज़ें खानी है या एंजॉय करना है, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से पाउच बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट डे की प्रॉब्लम होती है क्रैम्प्स एंड मूड स्विंग्स, सो उस हिसाब से चीज़ें हैं। सेकेंड डे क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, टायर्डनेस प्लस पैम्पर के लिए बनाए। थर्ड डे पैम्पर प्लस सूदिंग के लिए बनाए। तो इस हिसाब से उन्होंने ये पाउचेस अरेंज किए। नाउ ये तो हो गई खाने पीने की बातें और खुद को अच्छा फील कराने की बातें। सो डे वन के लिए ये वाला पाउच है, लेट्स सी इसमें क्या, सॉरी क्लमजी मैं हूँ जैसा कि आप सबको पता ही है। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या है और क्यों है। सो सबसे पहले तो इन्होंने दी है फॉर हर पीएमएस हर्बल टी, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि ग्रीन टी या टी या कुछ भी हॉट चीज़ें पीरियड्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बट कैफीन उतना ही प्रॉब्लमेटिक होता है, कैफीन से क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये स्पेशली पीएमएस के लिए है और ये कैफीन फ्री है, तो ये आप पी सकते हो। ये मूड एनहेंस भी करती है और क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छी है, तो ये फर्स्ट चीज़ है। फिर बिस्किट्स हैं, टोरी पाइंस फूड चॉकलेट बिस्किट्स हैं, ये इस टाइप के बिस्किट्स हैं, मतलब ये वो फ्रेंच फ्राइज जैसे दिख रहे हैं। ये भी ये किसके लिए है, क्रैम्प्स और मूड स्विंग्स के लिए, क्योंकि चॉकलेट अच्छी होती है क्रैम्प्स के लिए। देन है ये फ्यूज मिनी बार, क्योंकि ऑब्वियसली पीरियड टाइम में भूख का नहीं रहना चाहिए तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तो ये है। देन फिर ये हैं स्पायर पॉपुलर्स, ये ऐसी मंचिंग वगैरह। सो ये है फर्स्ट डे के लिए। नाउ हम आते हैं सेकेंड डे। देन ये स्निकर्स की चॉकलेट बार है। फिर आपकी है ये क्यूटी सी लेबन स्ट्रेची मैन स्ट्रॉबेरी सुपर स्ट्रॉबेरी, मतलब जो स्ट्रॉबेरी जेली वाली स्ट्रॉबेरीज आती हैं वो। फिर है ये एसेप आमंड एंड डार्क चॉकलेट, मतलब इसमें आमंड भी है डार्क चॉकलेट भी है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, हेल्दी है। सो ये है। देन है हाजमोला, हाजमोला क्यों है
ब्लोटिंग के लिए, ओ यस, सो आपको ये ब्लोटिंग नहीं करेगा। तो ये हो गया सेकेंड डे का। नाउ थर्ड डे का छोटू सा है, लेट मी शो यू कि क्या है। सो फर्स्ट है ये TGL की फिल्टर इंस्टेंट कॉफी, सो ये कॉफी का पाउच है। देन उसके साथ जाने के लिए है गैरी का ये शुगर चीज क्रैकर्स, सो ये आपका थर्ड डे। तो ये सब तो ये खाने के लिए चीजें, खा तो हमने खूब लिया, नाउ व्हाट। तो आपके हाइजीन के लिए भी भेजते हैं पैड्स एंड पैंटी लाइनर्स वगैरह। सो सबसे पहले तो ये है फॉर लाइटर पीरियड डेज, ये पैंटी लाइनर होते हैं, दो पैंटी लाइनर। मतलब पैकेजिंग कितनी क्यूट और अडोरेबल है, मतलब आपको कभी ट्रेवल करना हो तो मीन्स आप कितने सॉर्टेड हो कि ये अपनी बैग में रखा है, दैट्स इट। सो ये दो पैंटी लाइनर्स हैं। नाउ नेक्स्ट है, लेट मी शो यू डे वन। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको डे वन में ये यूज करना है, और ये डिस्पोजेबल बैग के साथ आते हैं ताकि आपको थ्रो करने में इतना ज्यादा इश्यू ना हो। इसके अंदर कुछ पाउच है, ये क्या हैंड सैनिटाइजर। सो मतलब ये पूरा एक किट है, आप इसको लेके जा सकते हो और कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत अनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि एक तो आप पैड ऐसे निकाल के ले जाओ तो 10 लोग घूर घूर के देखते हैं। सो आपने ये निकाला, इसमें आपका पैड है, आप इसको अप्लाई करके जो गंदा वाला है उसको इसी में थ्रो कर सकते हो, सो मोर हाइजीनिक। और उसके साथ में हैंड सैनिटाइजर, मतलब सब पाउचेस में हैंड सैनिटाइजर है जिससे कि आप अपने हाथ भी साफ कर सकते हो। सो इट्स मतलब बहुत सोची समझी हुई चीज़ें इससे पैक हुई हैं, सो आई लाइक इट। सो ये है डे वन का। नाउ डे टू के लिए है, सो डे वन में 3 पैड्स हैं, डे टू में 2 पैड्स दिए हैं उन्होंने। सेम चीज़ है, सैनिटाइजर है, पैड है, डिस्पोजेबल बैग है। देन डे 3 के लिए भी उन्होंने एक पैड दिया हुआ है डे 3 के लिए। सो ये सारे पैड्स वगैरह और चीज़ें उन्होंने डे वाइज आपको सॉर्टेड कर दिया कि दो पाउचेस उठाओ, एक पैड का, एक खाने पीने का, और यू आर सॉर्टेड। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब्सक्रिप्शन बॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो सब्सक्रिप्शन बॉक्स कम से कम 1000-1200 समथिंग की रेंज में होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इस टाइप का अगर मैंने वीडियो किया तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स खरीदना या नहीं खरीदना है ये चीज़ डिसाइड करने में। तो अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स लेना है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इसका प्राइस वगैरह सब कुछ। तो ये था मेरा सब्सक्रिप्शन बॉक्स अनबॉक्सिंग। अगर आपको इस टाइप के और वीडियोज देखना है तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।